यही तो कह रहे हैं वो तहसीन पूनावाला देश जी, में ये सारी खतरा मारपीट तो भाईजान के वोट के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे भी मैदान में आना या ओवैसी भैया उद्धव ठाकरे भी भाईजान के वोट के सहारे हैं, ये फायदा आपको पहुंचाएगा, वो यही तो कह रहे हैं। ऐसा है कि ये उनकी समस्या है ना, हमारी समस्या ये है कि हर जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इसमें अगर हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो गलत क्या है, जरा बता दे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इसमें गलत क्या है, बटोगे तो कटोगे गलत क्या है भाई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कटे कि नहीं कटे, ट्रेन भर भर के लाशें आई कि नहीं हिंदुओं की, भूल गए क्या वो दृश्य? नहीं तो अभी बांग्लादेश में जो बना कितने हिंदू मारे गए बांग्लादेश में, मतलब अब कौन मार रहा था? मतलब आप समझाई दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप स्पेसिफाई एक बार कर दीजिए कि कौन बांट रहा है समाज को, या किससे खतरा है अभी समाज को, जो आप एक रहने की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनावों से पहले तक नहीं था खतरा, अभी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के पहले खतरा नहीं था, बिल्कुल खतरा था, ये खतरा हमेशा है। आपको चेतना जागृत करनी पड़ेगी, एक बात जान जाइए, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सबका स्वागत है, लेकिन सब आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू बहुलता है। अगर हिंदू बहुलता नहीं होती, मुस्लिम बहुलता होती, तो बाकी धर्म खत्म हो जाते, पूरे विश्व का इतिहास निकाल के देख लीजिए आप, ये हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है। बगल में पाकिस्तान था बंटवारे के समय 18% थे, आज 0% है। ठीक है, सवाल बगल में बांग्लादेश था 22% था, लोकसभा चुनाव से पहले ना तो एक है तो सेफ है आपको याद था, ना बटेंगे तो कटेंगे आपको याद था, लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद ये सारे नारे या सारे बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, हिंदू वोटर्स के बिखरने का डर है क्या? आर यू फिर तहसीन जी, एक मिनट भाई, हिंदू वोटर्स की आप क्यों बात कर रही है? इसी लोकसभा चुनाव में 7-8% मुसलमानों का ही वोट बीजेपी को मिला। हम कह रहे हैं कि देश एक रहना चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, छोटा जवाब दीजिएगा। काटने वाले यही लोग हैं, ये तहसीन के पार्टी के समर्थक वाले जितने लोग हैं, इन्होंने एक बार नहीं कटवाया है, दर्ज मतलब 100 से ऊपर कटवा चुके हैं ये देश को। बोलिए तहसीन जी जल्दी, फिर आ रही हूं मैं। साजिद जी, अजय आलोक की हर बात को मैंने कबूल किया, चलिए कबूल कबूल कबूल, अब आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए मेरे भाई, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो 11 साल से इस देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री कौन है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? या तो भारतीय आ रहे मुंबई के अंदर, आप कह दीजिए इलीगल है, या तो कोई भारतीय आ रहा, अब घर से आ रहे हो, कौन व्यक्ति है जो देश को संभाल नहीं पा रहा है, अपने आप को चौकीदार बना के चौकीदार का काम नहीं कर पा रहा, उसको आदमी कर्जी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। डेमोग्राफिक चेंज, पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे, बांग्लादेश का उदाहरण दे, जो व्यक्ति हमारे मुल्क में बैठा हुआ है और अगर वो नहीं संभाल सकते देश को, अगर बॉर्डर पार लोग आ रहे तो छोड़ दे देश को, या प्राची जी को इंटरव्यू दे, देश की आवाम से माफी मांगे, छोड़ दे, कितने मना किया? डेमोग्राफिक चेंज की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी देना जिम्मेदारी, आपके नेता तो सिर्फ मुख्यमंत्री के कपड़ों पर बयान दे रहे हैं, आपके नेता मुख्यमंत्री के कपड़ों पर बयान दे रहे हैं, डेमोग्राफी पर आप भी बात करते हैं और पूछते प्रधानमंत्री से कि भाई क्यों हो गया 11 साल में या क्यों हो गया 10 साल में? चलिए ठीक, तहसीन जी जरा जोर से सुनाइए, कांग्रेस वाले शायद आपकी बात सुन ले। आलोक जी बस एक मिनट रुक जाइए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चर्चा में इंक्लूड कर लूं फिर आपके पास आऊंगी। दानिश कुरैशी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तहसीन पूनावाला जी ने उठाया और वो सवाल का जवाब मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ। 16 सीटों पर शायद आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अगर गलत हूं तो सर करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 16 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 16 सीटें लेकर संभाजीनगर का नाम बदलने का दम आप लोग कैसे भर रहे हैं, ये कैसे करिएगा, कैसे चमत्कार करके दिखाइएगा? देखिए मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं के तहसीन ने सबसे पहली बात जो आखिर में बोली है, मैं उसका रिपीट कर दूं, जो कि ऑलरेडी हिडन एजेंडा तो कांग्रेस भाजपा का एक ही है, लेकिन तहसीन ने यहां कबूल है कबूल है कबूल है, तो मतलब इनका सियासी निकाह तो पहले से फाइनल ही है, आज टीवी पे आपके यहां शो में भी क्लियर हो गया, अगर भूल गए हो तो वापस रिमाइंड कर दीजिएगा। अब रह गई बात, आपने बात कही संभाजी नगर की, देखिए आपको मैं एक बात कहूं, संभाजी नगर में जो भी चुनाव जीत के आएगा वो जनमत जो है एक तरीके से मैसेज है और अपनी बात जाके विधानसभा में रखेगा। हम तो वक्फ बोर्ड में देख रहे हैं ना कि बैसाखियों पे बैठी हुई है केंद्र की सरकार, वक्फ के मामले में एक तरफ चंद्रबाबू हैं, दूसरी तरफ नीतीश बाबू हैं, उसके अंदर में तो हम लोगों को इंटरनली, तो आप तो पत्रकार हैं आपको पता होगा ही कि क्या परिस्थिति है। संभाजीनगर की बात भी अबर महाराष्ट्र के परिस्थितियां जिस तरीके की बन रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है तो बहुत दूरंदेशी तक की वो सोचते हैं। दूसरे नंबर का सवाल तहसीन भाई से मेरा ये है, अभी तक मेरी समझ है, जो मेरी सियासी समझ है, अभी तक नंबर्स के हिसाब से कोई भी फैसला आप कर सकते हैं,
16 नंबर अगर मैं कह रही हूँ, 16 आउट ऑफ 16 भी अगर आपने पा लिए तो कैसे हासिल करिएगा अपनी इस ख्वाहिश को? कोई तो फॉर्मूला, कोई तो मैजिक, कोई तो जादू की जड़ी होगी आपके पास। अरे मैं आपसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। तो बैसाखियों पर बैठी केंद्र की मोदी सरकार, दो बैसाखियां आपको पता है, एक तरफ नीतीश बाबू हैं, दूसरी तरफ चंद्रा बाबू हैं। आपको परिस्थितियां नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में अगर ये सिचुएशन नहीं बनती, क्या जेपीसी बनता था? ये तो पहले ही कर चुके होते सारी चीजें।